सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जामतारा और मेरा साथ है रीत और आगे जा रहा है टिंगू अपने मेटियोर में। तो टिंगू लोग आगे हैं। सुबह सुबह मौसम बड़ी तगड़ा है, एकदम मस्त ठंडा है, चारों तरफ थोड़ा बहुत कुहासा भी है। जामतारा में अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो हम लोग को खुद ही नहीं मालूम, जैसे हम लोग जा रहे हैं जामतारा अभी, तो टिंगू लेके जा रहा है जामतारा में कहीं, तो चल रहे हैं उसके साथ। शायद कोई पहाड़ ग्रुप में जाएंगे, जितना सुबह सुबह पहाड़ खुला भी होगा कि नहीं मालूम, लेकिन देख के आते हैं। सीन बड़ी तगड़ा लग रहा है, मस्त सीन है। और ये रहा बोधमा पहाड़, तो ठंडा भी बड़ी तगड़ा लग रहा है, ग्लव्स नहीं है, देखना बहुत जोर से ठंडा लग रहा है। उसके बाद रोड एकदम मक्खन सा है, तो दुकान वकान सब बंद है क्योंकि अभी हार्डली 6:30 हुआ होगा, 6:30 भी नहीं हुआ, हम लोग घर से निकले थे 6:10 ऐसे कुछ, तो अभी शायद में भी 6:15-20 हो रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, भयंकर ठंड लग रहा है। तो मेरा बॉडी में तो कहीं ठंड नहीं लग रहा, लेकिन बस हाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। नेक्स्ट टाइम ग्लव्स भी लेना पड़ेगा, ग्लव्स पहन के आना होगा, बिना ग्लव्स का ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है ठंडा में। वो सुबह सुबह राइडिंग का मज़ा ही कुछ और है भाई। अगर आप लोग भी मॉर्निंग राइडिंग करना पसंद करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए किसको इसको मॉर्निंग राइडिंग पसंद है। तो मॉर्निंग राइडिंग एक अलग ही मज़ा सा आता है, क्योंकि दोपहर वाला जो राइडिंग होता है वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन सुबह सुबह जब राइडिंग में जाता है ना, तब ऐसा लगता है पूरा दिन बन गया, टिंगू कहाँ उड़े जा रहा है। टिंगू फुल स्पीड भाग रहा है, बड़ी ठंडा लग रहा है, उतना स्पीड नहीं चलाएंगे। हाँ 80 तक ही अब चलाएंगे, देखो मेरा कांटा 80 में है, बस 80 तक ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बहुत जोर से ठंडा है। मेरा हाथ पूरा सुन हो गया एकदम ठंडा में। जो राइडिंग करता है उसे मालूम ही है, राइडिंग करने में देखने में तो बड़ी मज़ा आता है, हाँ राइडिंग मज़ा आ रहा है, लेकिन उसमें भी जो राइडिंग करता है उससे पूछे तो काफ़ी दिक्कत फेस करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम आता है सुबह सुबह उठना, ठंडा में राइडिंग करना। ठीक से अगर आप अपने आप को कवर अप नहीं कीजिएगा तो फिर अब तबीयत भी ख़राब हो सकता है। इस पर बोले हेलमेट पहन लो भाई, क्योंकि ठंडा बहुत है यहाँ का, अभी का ठंडा जो वहाँ देखा ना, फिर बड़ी दिक्कत वाला ठंडा होता है, लंबा ठान देता है बुखार। तो भाई हंटर अगर आपको किसी को लेना है तो आप इस प्राइस सेगमेंट में बुलेट का यही एक बेस्ट, अगर आप रॉयल एनफील्ड लवर है, अगर आप रॉयल एनफील्ड का ही गाड़ी लेना है तो अभी जाता हूँ। अगर आप रॉयल एनफील्ड का फैन है, मतलब रॉयल एनफील्ड आपको पसंद है, तो इस प्राइस सेगमेंट में 2,10,12,20 के अंदर आपको ये हंटर आ जाता है। अगर आप क्लासिक पसंद करते हैं, क्लासिक मतलब अगर आपको थोड़ा रोडस्टर टाइप का चाहिए, रोडस्टर भी ठीक नहीं, मतलब ये एक मिक्सअप टाइप का है अंदर, ये ना ही आप रोडस्टर कह सकते हैं ना ही इसे आप स्पोर्ट्स कह सकते हैं, दोनों का मिक्स है,
जब से अब चलाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स जैसा फील होता है, क्योंकि इसका पोस्चर, आपका बैठने का पोस्चर थोड़ा स्पोर्ट्स मॉडल का है, एग्रेसिव है और देखने में थोड़ा बहुत स्क्रैम जैसा मॉडल किया है। तो इसे आप कह सकते हैं अब सब कह सकते हैं जब दोनों, मतलब अगर आपको स्क्रैम टाइप का मॉडल चाहिए या थोड़ा आपको पसंद है थोड़ा एग्रेसिव चलाने का, तो ये आपके लिए सही है। और इसका माइलेज भी कंपनी क्लेम किया है जो आपको 40 देगा, लेकिन अभी मेरा एक सर्विस ही हुआ है फुल सर्विस, तो मेरा माइलेज निकल के आता है 30 से लेकर 34 33, ऐसे माइलेज आता है। पैसे के लिए मैं आपके पास और भी 2-3 ऑप्शन रहता है, जैसे आप यामाहा की गाड़ी में जा सकते हैं, यामाहा MT-15 ये सब, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि MT जो है वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। उसमें आपको तब दिक्कत होता है जब आप किसी एजेड फीमेल को बैठाते हैं पीछे, उसमें आपको दिक्कत है MT-15 में। और KTM तो भाई छोड़ ही दीजिए, उसमें तो आप बैठा ही नहीं सकते कि उसका पीछे बहुत ऊंचा है। और इस मॉडल पे आपको आता है, आपके पास बुलेट का मॉडल आता है, जो बुलेट रॉयल एनफील्ड बुलेट वो आता है, वो ऑप्शन है आपके पास। और आपके पास ऑप्शन आता है जावा का गाड़ी का, जावा रोडस्टर है, जावा स्क्रैम है, तो बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मुझे यही पसंद आया बिकॉज इसका जो लुक है ना, ये मुझे थोड़ा बहुत याद दिलाता है यामाहा का जो XSR है। अगर आप देखें यामाहा XSR, वो इंडिया में फिलहाल है नहीं, तो मुझे बहुत पसंद था यामाहा XSR। ये मॉडल यामा XSR जैसा है, इसके कारण मुझे ये पसंद आया था जे, हाँ ये तगड़ा है। तो भाई अभी हम लोग देख लिए जो पड़ोदिया का रास्ता कहाँ है, अभी हम लोग निकलते हैं और रीत पीछे है, रीत मैप फॉलो करेगा और हम लोग चलेंगे। क्योंकि पर्वत विहार का रास्ता बहुत पहले, बहुत बचपन में एक बार हम आए थे, बहुत पहले मेरे एक भैया वो जब कार खरीदे थे तो उनके साथ आए थे, हमको वो दिन आज भी याद है, क्योंकि उस दिन गेट में मेरा उंगली दब गया था, कार का गेट मेरा उंगली दब गया था। हाँ वो हम लोग आगे हैं, पीछे जाना पड़ेगा, चपकर तो बहुत पहले आए थे भैया के साथ। उस टाइम क्या हुआ था, जिस दिन आ रहे थे उसी दिन भैया मतलब नया कार खरीदा था, उसमें मेरा उंगली दब गया था, ये वाला उंगली दबा था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे पर्वत विहार में, तो वहाँ हम गिर भी गए थे, हमको याद है, पीछे पहाड़ जैसा था, स्लाइडिंग जैसा, हम उसी से गिरे थे, मेरा पूरा जूता उता सब कुछ फट गया था, जूता मेरा पैंट सब फट गया था, बहुत जोर से चोट लगा था। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है, बस उतना ही याद है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन रोड भूल गए हैं कि उसका रास्ता कहाँ से था। तो वो बहुत पुराना बात है, जब हम क्लास में भी 5 में थे या 5 में होंगे शायद उस टाइम हम। ये तो ऐसा लग रहा है किसी गांव में आ गए हम लोग, अरे बाप रे, बम्पर वो भी इतना घटिया, ऐसा घटिया बम्पर कौन बनाते भाई। थोड़ा बहुत लादना का याद आ रहा है, लादना का भी ऐसे थोड़ा बहुत सीन है, इसका भी ऐसे सीन है।
तो हम लोग आ गए फाइनली पर्वत विहार। ये है, अच्छा ये है पर्वत विहार। चलो बढ़िया है, यहाँ पे गाड़ी रखते हैं। तो आफ्टर ऑल अंकल हम लोग को अंदर दिया है ना, बहुत बोल बाल के घुस गए फ्री में। चलिए हम लोग को जगह अंदर देखना था कैसा है, सो नेक्स्ट टाइम हम पिकनिक आ सकते हैं यहाँ पे। डिंगो अपने गर्लफ्रेंड भी ला सकता है, जगह भी मस्त है ना। डिंगो डिंगो सर आ गया, जगह ठीक है। तो बस यही चीज अंकल को बोल रहे थे, हम लोग अंदर जाके देखना है, पिकनिक फिर ना करना है। तो चलो शुक्र है भगवान का, अंकल समझ गया, बोले ठीक है जाओ अंदर पिता से देख के। अरे बोनी करवा देना मेरे, ठीक है बोनी करवा देंगे। 80 रुपये का काम 10 रुपये में बन गया। जगह अच्छा है, नाइस प्लेस। अरे तेरे यहाँ पिकने के लिए ठीक ही है जगह। अच्छा प्लेस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब कुछ है। हाँ टॉयलेट वॉलेट भी है, लड़की लोग के लिए बस वही दिक्कत है, लड़की का दिक्कत होता है ना, वही देखना था यहाँ टॉयलेट है कि नहीं। यहाँ टॉयलेट है, लड़का लड़के दोनों का है, काफ़ी अच्छा है। एक स्लोपिंग करके आते हैं फटाक से। अरे यहाँ पे दो जन बच्चा, दो बच्चा एकदम मस्त झूला झूल रहा है। तो भी हम जा रहे हैं फटाक से स्लोपिंग करने, एक स्लोपिंग फटाक से करके आते हैं। ओ स्लोपिंग स्लोपिंग स्लोपिंग, बचपन वापस आ गया मेरा। ओ मजा आ गया, अमृत करेगा बचपन वापस आ गया हम लोग का। ओ देखो चुप कर दे चुप। झूला भी झूलेंगे, थोड़ा झूला भी झूल लेते हैं। ओ, वो वाला पहाड़ भी तगड़ा है, लेकिन वहां जाने का रास्ता यहाँ से, एक बार वहां घूम के आते फटाक से। वाह गाइस ये जगह मस्त है भाई, ये मजा आ गया भाई, मस्त जगह है। वाह भाई एक है। वाह भाई का सीन है, हम उस टाइम यही पे राउंड मार रहे थे, वही वाला राउंड मारते हुए आए थे। वहाँ एक खजा से बना हुआ है, अच्छा मस्त जगह। 20 रुपये पैसा वसूल हो जाएगा, हम लोग पिकनिक आए थे, पिकनिक होता भी है। कमाल है भाई कमाल है, मजा आ गया। हरी लोग भी आ रहा है। सो गाइस ये है पर्वत विहार, तो हम लोग यहाँ पे घूम लिए, और भी है उधर भी जगह एक्सप्लोर करने का, लेकिन अभी टाइम है नहीं, टाइम बहुत कम है। तो अभी हम लोग यहीं पे घूम फिर कब घर जा रहे हैं।
तो भाई अभी हम लोग निकल पड़े हैं पर्वत विहार से अपने घर की ओर। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचे गए अपना घर, बस और कुछ ही देरी बाकी है घर पहुंचने में। देखिए सर ना, देखिए रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, ससुरा मर जाएगा एक दिन समझेगा। इतना खराब रोड ना भाई, अगर आप मिजाम में रहते हैं तो आपको मालूम ही होगा ये रोड इतना खराब है, मतलब हद से ज्यादा खराब रोड है। इससे अच्छा रोड तो गांव वाले एरिया का, गांव एरिया में इससे अच्छा रोड है।